हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट, बढ़िया एकदम बिंदास। चले, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ करने वाले हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं बेटा, जो बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। और सबसे कमाल की बात इस टॉपिक की क्या है, देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाता है, ऐसे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि फॉर्मूले तो बड़े छोटे छोटे से हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे किया जाएगा, क्या लॉजिक होगा उसको अप्लाई करने के पीछे, वो बड़ा कंसेप्चुअल है। तो उस कंसेप्चुअल पार्ट को समझने के लिए पोटेंशियोमीटर को काफी डेप्थ में समझना होता है, ठीक है? तो ये एक ऐसा टॉपिक नहीं कि जिसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएं और फाइनली आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल जो होते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो पोटेंशियोमीटर टॉपिक के ऊपर होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत डेप्थ से आपको पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा दोनों पार्ट कि आप किस किस तरीके से कहां तक हम पहुंचेंगे इसके अंदर, और दूसरी बात कि हमारे बोर्ड में क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और आपने कुछ बेसिक चीजें इसकी नहीं करी तो ये पक्की बात है कि आप रॉन्ग इसका आंसर देंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि पोटेंशियोमीटर जो आपका टॉपिक है वो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड सीबीएसई बोर्ड की जो लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की, उसमें दो प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसमें एक प्रैक्टिकल होता है आपके पास कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और दूसरा होता है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये दोनों के दोनों जो प्रैक्टिकल हैं, उन प्रैक्टिकल के बारे में ही जो बेसिक कंसेप्ट है, जो थ्योरिटिकल पार्ट है, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो उसे ढंग से समझिएगा। तो थ्योरी समझने के बाद प्रैक्टिकल समझ में आते हैं, और प्रैक्टिकल समझ में आने के बाद थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है, ये इसका लॉजिक है, ठीक है? तो इसलिए इसको ढंग से समझिएगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कहते किसको है। देखिए, पोटेंशियोमीटर में बेटा हमारे पास पोटेंशियो एंड मीटर दो पार्ट्स है। अब मीटर का मतलब क्या है? यहां किसी भी, अगर किसी डिवाइस के अंदर पीछे मीटर लिखा हुआ है, उसके जो उसका नाम है उसमें मीटर लिखा है, इसका मतलब वो एक मेजरिंग डिवाइस है। जैसे होता है एमीटर, जैसे होता है वोल्टमीटर, जैसे होता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर क्या करते हैं? एमीटर में क्या है, वो एम्पियर को मेजर करने की डिवाइस है, यानी करंट को मेजर करने की डिवाइस है। वोल्टमीटर क्या है, वो वोल्टेज को मेजर करने की डिवाइस है, ठीक है बेटा, राइट? इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की डिवाइस है, ठीक है? लेकिन अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की डिवाइस है, वो तो हमारे पास पहले से ही है, वोल्टमीटर तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो फिर हमको पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों है? पोटेंशियोमीटर की जरूरत इसलिए है हमें क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो वोल्टेज मेजर करता है, वो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि लेंथ ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ डिविजन ज़्यादा हो सकते हैं, स्केल्स ज़्यादा बन सकते हैं, यानी कि लीस्ट काउंट जो है वो काफ़ी कम होता है। जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज़्यादा एक्यूरेसी से चीज़ों को मेजर कर पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपका जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है वो मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर करता है। मिनिमम जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है उसमें सबसे पतली लाइन जो होती है, बारीक लाइन होती है, वो 1 मिलीमीटर की होती है। यानी उससे कम रीडिंग को आप उस स्केल से एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर लेगा, उससे भी 1/10 पार्ट, उससे भी छोटा एक्यूरेसी से मेजर करेगा। उससे भी और एक्यूरेसी से मेजर कौन कर लेगा? स्क्रू गेज मेजर कर लेगा। यानी जितनी थिन से थिन चीज होगी उसके लिए मैं ना तो मीटर स्केल यूज करूंगा ना वर्नियर कैलिपर्स, मैं जाऊंगा स्क्रू वॉच पे। तो मतलब ये निकला कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है वो ज्यादा एक्यूरेसी से रीडिंग को मेजर करेगा। तो इसमें लीस्ट काउंट जो है वो काफी कम है वोल्टमीटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या उसके कंपेरिजन में। दूसरी बात, ये लीस्ट काउंट कैसे कम होता है मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वोल्टमीटर जो होता है, जो आइडियल अगर वोल्टमीटर हो तो उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, लेकिन आइडियल वोल्टमीटर होता ही नहीं। तो वोल्टमीटर की कोशिश क्या होती है कि करंट उसके अंदर से फ्लो ना करे, वो रेजिस्टेंस को ऑफर करने के बाद वोल्टेज बता रहा होता है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में, क्या होता है कि वोल्टमीटर जो होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का नहीं होता, तो वो कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है अपने अंदर से, उसके अंदर से कुछ करंट चली जाती है जबकि नहीं जानी चाहिए अगर वो आइडियल होता तो। अब करंट उसके अंदर से अगर चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्यूरेसी से वोल्टेज नहीं बताएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वो एक्यूरेसी से वोल्टेज क्यों नहीं बता पा रहा। देखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वोल्टमीटर में क्या कमी है तब तक आपको पोटेंशियोमीटर की यूटिलिटी नहीं पता लगेगी।
एक तो ये होता है कि मैंने कह दिया कि भाई वोल्टमीटर जो होता है वो करंट ड्रॉ करता है, पोटेंशियोमीटर नहीं करता एट नल पॉइंट। ये मैंने कह दिया, आपने रट लिया, क्या फायदा उसका, समझ तो आया नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। नॉर्मली वोल्टमीटर को अगर आपने किसी एक, वोल्टमीटर कहां लगता है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगता है। ये वोल्टमीटर को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया किसी हमने, अब क्या होता है, यहां से जब करंट फ्लो करती है, जब यहां से करंट फ्लो करती है, तो मान लो 5 एम्पीयर करंट थी और इसका रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये करंट इधर आ रही है, ये तो पहले मैंने रखा है इधर की ओर, अगर ये आइडियल होता तब क्या होगा और आइडियल नहीं है तब क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूं। 5 एम्पीयर अगर करंट थी और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी V=IR से 2 × 5 यानी कि 10 वोल्ट, ये इतनी आएगी। ठीक है बेटा, यानी कि 5 × 2 लिख सकते हैं, यस 10 वोल्ट, यानी कि इस वोल्टमीटर को 10 वोल्ट दिखाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो वोल्टमीटर 3 वोल्ट तक का होता है, लेकिन बस मैं ऐसी कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि ये 10 वोल्ट दिखाना चाहिए वोल्टमीटर, तब ये एक्यूरेट कहलाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता ही है, अगर ये आइडियल वोल्टमीटर होता तो इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, तो ये करंट को यहां से जाने नहीं देगा और सारी करंट यहां से जाएगी, तो इसकी परफेक्ट वोल्टेज आएगी और ये परफेक्ट वोल्टेज बताएगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये होता है कि ये जो करंट जो यहां 10 वोल्ट आना चाहिए था वो 10 वोल्ट नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, ये जो वोल्टमीटर है ये कुछ करंट को, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है तो कुछ करंट को ये ड्रॉ करेगा। अब मान लो कि इसने 0.1 एम्पीयर या चलो 0.2 एम्पीयर करंट को ड्रॉ कर लिया अपने अंदर से, ओके, तो यहां करंट कितनी पहुंची, यहां करंट पहुंची 5 तो ये थी, तो यहां जो करंट पहुंचेगी वो 4.8 एम्पीयर पहुंचेगी, 4.8 एम्पीयर। अगर ये 4.8 एम्पीयर करंट पहुंच रही है तो 4.8 × 2, अब वोल्टेज कितनी आ रही है यहां पे, 4.8 × 2 यानी कि 9.6। अब ये 9.6 वोल्ट यहां पे आ रही है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकल गया कि भाई एक्चुअली जो 10 वोल्ट यहां पे जानी थी उसको अब ये 9.6 वोल्ट दिखाएगा, और गलती इस वजह से हुई क्योंकि इसने कुछ करंट कंज्यूम कर ली जो कि इसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने इसको करंट को ड्रॉ करने के लिए नहीं लगा रखा, हमने इसको इस काम के लिए लगा रखा है कि यहां पे जो वोल्टेज आएगी उसको एक्यूरेटली मेजर करें, और एक्यूरेटली मेजर करने का मतलब होता है कि आपने अगर 5 एम्पीयर यहां से दी है तो ये पूरी 5 एम्पीयर यहां जानी चाहिए, तब यहां टोटल वोल्टेज एक्यूरेट आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, करंट को ड्रॉ कर लेता है। अब इसने करंट को ड्रॉ कर लिया तो इसने यहां की वोल्टेज का कुछ पार्ट अपने पास कंज्यूम कर लिया, तो एक्यूरेसी चली गई, कुछ खुद खा लिया। भाई आइडियल इंसान कब कहलाएगा, आइडियल कब कहलाएगा, आइडियल तब कहलाएगा जैसे हम बोलते हैं कि किसी ऑफिस के अंदर कोई ऑफिस था और उस ऑफिस के अंदर हम चाहते हैं कि भाई एक आइडियल एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे आपको, कि आपको पैसे ट्रांसफर करने थे कि वो ट्रांसफर करने के बाद किसी और को देगा वो पैसे, आपने उसको दिया वो किसी और को देगा। मान लीजिए कि अमाउंट था आपके पास 1 लाख का, 1 लाख का अमाउंट आप उसको देते हैं, आइडियल है, तो आप सोचेंगे कि 1 लाख का अमाउंट वो आगे दे देगा, लेकिन अगर वो आइडियल नहीं है तो क्या करेगा, 1 लाख जो आपने दिए उस 1 लाख में से मान लीजिए उसने 20,000 ले लिए तो आगे 80,000 दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने तो दिए 1 लाख, आप क्या सोचेंगे कि अगले वाले के पास कितने पहुंचे, 1 लाख, लेकिन पहुंचे नहीं ना, क्योंकि उसने खुद कुछ कंज्यूम कर लिया। अगर कंज्यूम कर लिया तो आइडियल नहीं है, यानी वो वोल्टमीटर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल वोल्टमीटर होते ही नहीं है, इसलिए वोल्टमीटर कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है जिसकी वजह से वो यहां के वोल्टेज का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेता है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट है, ये एक डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, डिफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, डेफिशिएंसी बोलेंगे, एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वोल्टमीटर से बेटर पोटेंशियोमीटर को माना जाता है, क्योंकि वो अपने अक्रॉस करंट नहीं जाने देता जब नल पॉइंट आ जाता है। नल पॉइंट के बारे में हमने मीटर ब्रिज में पढ़ा, एट द नल पॉइंट इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर के लिए कहा जाता है, और अगर वो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ वोल्टेज भी कंज्यूम नहीं करेगा नल पॉइंट पे, और जब वोल्टेज कंज्यूम नहीं करेगा तो सारी की सारी वोल्टेज को एक्यूरेटली बताएगा, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। तो इसमें दो मेन बातें जरूर कहने की होती है, ये दो बात तो कहनी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि द पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। अब मोर सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, मोर सेंसिटिव का मतलब हो गया था ये ज्यादा ज्यादा बारीकी तक, ज्यादा मिनिमम अमाउंट तक आपको वोल्टेज की वैल्यू एक्यूरेटली बता सकता है, एक ये बात हो गई।
ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। दूसरी बात है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, इट डज, पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट व्हाइल वोल्टमीटर डज, ठीक है। तो वोल्टमीटर कुछ करंट ड्रॉ करता है, पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है, देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट व्हाइल वोल्टमीटर इज नॉट सो एक्यूरेट, ठीक है बेटा, राइट। तो ध्यान रखते हैं दोनों की दोनों बातें, और इसको ढंग से आप नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक बेटा, ओके। चलिए बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर में आपको थ्योरी में लिखना क्या क्या होता है। पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, फिर देखेंगे इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत ढंग से समझना है, इसके सर्किट डायग्राम को ढंग से समझना है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन मतलब दिख रहा है, अजीब सा डायग्राम दिख रहा है, खतरनाक सा दिख रहा है, इसको हम सिंपल कर देंगे, टेंशन मतलब। आपको एग्जाम में हमेशा इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो इसको समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी वालों ने जो डायग्राम बना के दे रखा है यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, वो क्या बताता है आपको। क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आया कि एनसीईआरटी में क्या, तो एनसीईआरटी ने फिर वो डायग्राम बना के दिया क्यों आपको, उसे भी समझना है। फिर हम देखेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाइड वे में डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डायग्राम इतना खतरनाक नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड वे में बनाएंगे, ओके बेटा। तो चले आगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको थ्योरी में सीखनी होती है वो है कि आपसे पूछें कि व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर। तो अब इसका आंसर क्या होता है, देखिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across the length of resistance wire, length of a resistance wire, इसको हम potentiometer wire भी बोलते हैं, comma more accurately, ठीक है। It is a device which is used to measure the potential difference across the length of resistance wire more accurately. अब ये resistance wire कौन सी है? यहाँ पे A से शुरू होती है resistance wire, यहाँ से घूम के C पे खत्म होती है। ये पूरी एक resistance wire है। बीच में कुछ यहाँ पे slots लग रखे हैं, मैं बताऊँगा क्या चीज़ होती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, एक resistance wire है, and this resistance wire is made up of manganin. Manganin की wire होती है, alloy होती है, alloy है तो resistance होगा, ठीक है, तो अच्छा खासा resistance होता है copper के मुकाबले। तो इस तरह इसी वायर के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे मेजर होगा देखते हैं आगे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, अभी जो समझने की है वो है हमारे पास प्रिंसिपल। अब सोचिए प्रिंसिपल का क्या काम है, प्रिंसिपल आपको कहां कहां जरूरत पड़ेगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क के, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, पूरा कुछ नहीं पूछा पोटेंशियोमीटर के बारे में, सिर्फ प्रिंसिपल पूछ लिया। मैं आपको इसलिए सारे पार्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सीधा न्यूमेरिकल पे आऊं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और आता है जनरली। तो अगर वो आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आया तो थ्योरी में आएगा, और थ्योरी में आया तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं किया, न्यूमेरिकल ही करके गए, और एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आया, थ्योरी आ गई, तो क्या करोगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पोटेंशियोमीटर का सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, थ्योरी भी आती है, ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब देखिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वो क्या है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, बहुत टेक्निकल बात है, ढंग से सुनना। हम लिखते हैं, फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ करंट, फॉर द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गिवन मटीरियल, ऑफ गिवन मटीरियल कॉमा, ठीक है, इसको मैं चलो यहां लिख देता हूं, गिवन मटीरियल कॉमा the potential drop
across the length of potentiometer wire is directly proportional to its length involved. लेंथ इन्वॉल्व, तो मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि प्रिंसिपल, देखिए नॉर्मली आज तक आपने जिस भी चीज का प्रिंसिपल कभी पढ़ा है, किसी भी चीज का अगर प्रिंसिपल पढ़ा है, तो आपने ये ढंग से देखा है कि प्रिंसिपल क्या होता है, एक लाइन का दो लाइन का होता है। लेकिन यहां प्रिंसिपल इतना बड़ा है, लेकिन वो प्रिंसिपल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि उसमें हर एक चीज का कुछ मतलब है। अब मैंने क्या क्या चीज लिखी है, मैंने लिखा है फॉर अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ करंट, ये चेक करो, यानी करंट कांस्टेंट हो गई। मैं लिख देता हूं यहां पे कि आई जो है वो कांस्टेंट हुआ, ओके ठीक है। अब निकालते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है ये जो वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर, इस पूरे का एरिया सेम है, कहीं से थिन कहीं से थिक नहीं है, कहीं से मोटी पतली नहीं है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ अ गिवन मटीरियल, गिवन मटीरियल का मतलब होता है मटीरियल के ऊपर क्या डिपेंड करता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मटीरियल के ऊपर डिपेंड करती है, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। ऑफ अ गिवन मटीरियल का मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, क्योंकि मटीरियल बिल्कुल सेम है, ठीक है। गिवन मटीरियल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ का मतलब होता है वोल्टेज, बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप को वोल्टेज ही बोलते हैं, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Potential drop across the length of potentiometer wire is directly proportional to its length involved. कितनी length involved हुई है उस length के directly proportional होता है voltage. यानी voltage proportional to length. ये हमारे पास है. ये कुल मिलाके बताता है कि V proportional to L आएगा. अब ये L क्या है? इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है? तो खैर, this is about potentiometer. What is called potentiometer? This is about the principle of the potentiometer. ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा so that you can check it. एक बार देख लें आप कि प्रिंसिपल क्या था बेटा, पूरा ढंग से लिखना है आपको इसको, अंडरलाइन आपको करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने इसलिए करा है ताकि आप उसको फोकस करें कि किस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, राइट। अब देखें आगे क्या, अब ये देखते हैं कि जो उसका प्रिंसिपल जो हमने लिखा है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। जब भी प्रिंसिपल लिखने को आता है तो आप ये पहले ये पूरा का पूरा कहानी लिखेंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आपको कुछ मैथमेटिकल पार्ट लिखना है। देखिए That is, या mathematically क्या लिखोगे? Mathematically हम ये लिखेंगे, आपको एक formula पढ़ा है R is equal to rho L upon A, ये formula सुन रखा है हमने resistance का, ठीक है। और हमने एक formula पढ़ रखा है V is equal to IR, Ohm's law के हिसाब से। तो अगर मैं इन दोनों formula को combine करके लिखता हूं, because this and this is equal to this, therefore V is equal to I into, in place of R लिखेंगे आप rho L upon A, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल क्या बताता है, प्रिंसिपल आपको यह बताता है कि करंट कांस्टेंट है, लिखा है मैंने यहां पे करंट कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, बिकॉज I कॉमा rho एंड A आर कांस्टेंट्स, और अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट होती हैं तो क्या बचता है, तो V proportional to सिर्फ L बचता है, चेक करो, यानी कि I rho upon A, ये तीनों चीजें हैं कांस्टेंट, तो बचा सिर्फ L। तो जब हम इन सब को हटाएंगे कांस्टेंट को, तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा V proportional to L, ठीक है। यही आपको बता रहा है प्रिंसिपल कि when for the constant flow of current through a wire of uniform cross section area of given material, the potential drop across the length is directly proportional to length. Potential drop is directly proportional to length. यानी V proportional to L. अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास I rho upon A था, ये constant था, ये है क्या? Proportionality का sign हटा के हम इसकी जगह, इन सब की जगह एक constant लगा देते हैं। उस constant को आप K बोल सकते हो।
एनसीईआरटी में आपको फाइव सिंबल दे रखा है, फाइव भी यूज कर सकते हो, के भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। v इज इक्वल टू के एल, और अगर v इज इक्वल टू के एल है तो इससे एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इससे k क्या निकल के आता है, k निकल के आता है v अपॉन l, यानी k को बोलते हैं क्या, k इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, या तो इसको ये बोलते हैं। और भी एक बहुत कॉमन नेम है, इतना बड़ा नाम ना बोले तो एक छोटा नाम हमारे पास है, वो है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मतलब निकलता है ग्रेडियंट से, कभी सुना है हमने ग्रेडियंट के बारे में? जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड लिखा हो, किसी नाम के साथ ग्रेडियंट लिखा है, तो इसका मतलब उसको लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल अपॉन लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हमने कई बार सुना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ये आपको नाम याद रखना है बहुत ढंग से, ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बेसिकली यहां तक है कि वो थ्योरेटिकल पार्ट था और प्लस ये, अगर पूरा आप ये लिखते हैं तो आप कंप्लीट आंसर लिख रहे हैं, इससे कम लिख रहे हैं तो इनकम्प्लीट लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तब चांस है कि मार्क्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, या कुछ कट सकते हैं मार्क्स, लेकिन अगर आप यहां तक लिखते हैं इट इज श्योर कि यहां तक सब कुछ कंप्लीट है, आपने थ्योरेटिकल भी लिख लिया इसको प्रिंसिपल में, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि इसका मतलब क्या निकल के आता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर जो हमने अभी तक पढ़ा, एंड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये बात थी। अब हमको बात करनी है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूज क्या है, ठीक है, देखें चलो। किस काम में आता है पोटेंशियोमीटर, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसमें पहला मेनली दो यूज है, उन दो को आप तीन बना सकते हैं लेकिन होते दो ही हैं, आपके एनसीईआरटी भी आपको ये बता रही है कि दो मेन यूज हैं और उन्हीं दो मेन यूज के ऊपर दो प्रैक्टिकल्स हैं। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, सेकंड हमारे पास है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पहला था हमारे पास कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और दूसरा हमारे पास है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना कि दो यूज हैं लेकिन उसके दो के तीन बन सकते हैं, जैसे ऊपर हमारे पास कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, इसी को यूज करके, इसी फॉर्मूले को यूज करके जो हम डिराइव करेंगे उससे ही आप अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी सेल का, जैसे दो सेल दिख रहे हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, इन दोनों में से, यानी कि जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल, इसका मतलब है एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 कैसे निकाला जाएगा, वो हम फर्स्ट पार्ट से निकाल सकते हैं, यही आपका प्रैक्टिकल भी होता है, और जो फॉर्मूला उससे निकल के आएगा उसी से आप एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, किसी भी अननोन सेल का, दोनों में से जो भी अननोन हो उसका ईएमएफ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा था हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसके सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा इससे चेंज होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास कि एक सेल आपको गिवन होगा, उस सेल के आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा, उसका फॉर्मूला देखेंगे हम कैसे बनता है, ठीक है बेटा, ये बात पूरी तरीके से पता लगी है। तो खैर अब हम बात करते हैं कि जो यूज हमने लिखे हुए हैं इस यूज को कैसे यूज करना है, यूज कैसे करना है मतलब पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या लॉजिक निकल के आएगा, फिर हम बात करेंगे कि सेकंड वाला जो हमारे पास है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वो कैसे आएगा, ठीक है, देखें चले देखते हैं। सो नाउ वी हैव द सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व द कंडीशन फॉर या द फॉर्मूला फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, किस तरीके से आप ईएमएफ के कंपेयर, ईएमएफ को कंपेयर करेंगे इन दोनों सेल्स के। तो एक बड़ी सीधी सी बात है,
सबसे पहले तो इससे पहले कि हम ये सॉल्व करें, आप पहले सर्किट समझिए एग्जैक्टली क्या है और किस चीज को क्या बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा, न्यूमेरिकल में आपको कुछ टर्म दे रखे होंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ऐसा कुछ दे रखा होगा, या ड्राइवर सेल के नाम से दे रखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम के हिसाब से उसकी पोजिशन क्या है। ठीक है, राइट, देखें तो चलिए, ये हमारे पास है क्या, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल मेन सेल जो होता है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर सेल भी बोल सकते हैं। ड्राइवर सेल, ड्राइवर का मतलब जो पूरे सर्किट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पूरे सर्किट को ड्राइव करेगा, चलाएगा। ठीक है, राइट, प्राइमरी सेल। हमारे जब लैब में हम जाते हैं तो लैब में प्राइमरी सेल जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, ये होता है बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर आपने देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से वोल्टेज को चेंज करने के लिए नॉब होती है आपके पास। ठीक है, तो बैटरी एलिमिनेटर जो है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज प्राइमरी सेल और इट इज कॉल्ड ड्राइवर सेल। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि दो सेल यहां लग रखे हैं, ये दो सेल कौन से हैं, ये दो सेल हैं हमारे पास, दीज आर कॉल्ड, ये दोनों सेल जो हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, दोनों ही सेकेंडरी सेल है। अब ये जो सेकेंडरी सेल हैं, ये होते क्या हैं, या कौन से सेल होते हैं, क्या नाम होता है इनका, प्रैक्टिकली क्या यूज में होते हैं। तो इनमें जो पहला सेल होता है, किसी को भी आप पहला मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। नॉर्मली जो फर्स्ट सेल होता है वो होता है डेनियल सेल। ठीक है, कॉपर का वेसल होता है, ठीक है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो कभी आप और सीख सकते हैं, कभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम पोटेंशियोमीटर सीख रहे हैं। तो डेनियल सेल, एक सेल है आपके पास डेनियल सेल और दूसरा आपके पास होता है लैग्रैन्जियन सेल। ठीक है, तो इवन एप्सिलॉन वन मान लीजिए कि डेनियल सेल था, एप्सिलॉन टू था आपके पास लैग्रैन्जियन सेल। ओके, अब ये आगे क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टू वे की, इसको बोलते हैं हम टू वे की। टू वे की का मतलब क्या है, टू वे की का मतलब होता है ये एक ऐसी की है जो दो कनेक्शन का एक सिंगल आउटपुट दे देती है, यानी कि दो इनपुट से एक सिंगल आउटपुट देती है। ये मेरे पास एक इनपुट है, ये इनपुट है, और दोनों से एक कॉमन आउटपुट निकल के आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं, कि आपने पहला सेल भी यूज कर लिया, दूसरा सेल भी यूज कर लिया साथ में, नहीं नहीं, वन बाय वन वी यूज दैट। ठीक है, राइट, बताएंगे, अभी मेथड बताऊंगा इसका मैं क्या है। ठीक है, फिर यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे लग रखा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नॉर्मली जो जीरो होगा उसके बीच में होगा, तो इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट थोड़ी फ्लो कर रही है इसके साथ। ठीक है, बात करेंगे अभी। तो यहां से आपको यहां पर, मतलब अभी मैकेनिज्म क्या है, यहां पे जो N1 N2 मैंने लिख रखे हैं, दीज आर कॉल्ड नल पॉइंट्स। अब कब कौन सा नल पॉइंट आएगा, किसके हिसाब से आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी देखते हैं, एक एक करके सब समझेंगे। अभी पहले मैं आपको सर्किट के सारे कॉन्फिगरेशन बता दूं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि दिस इज प्राइमरी सेल, ये मेरे पास एक रियोस्टेट है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर एरो लग रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या था, टू वे की थी, राइट। अब ये मेरे पास क्या है, ए से लेकर ये पूरी जो वायर दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, ये पूरा ए से लेकर सी तक एक वायर है, और वो वायर किस चीज की बनी हुई है, मैंगनीन की, मैंगनीन। ये जो मैंगनीन की वायर है इसको बोलते क्या है, इसको हम यूजुअली बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर, अब जो पोटेंशियोमीटर वायर, ये जो पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कितनी वायर्स होती हैं और कितनी लंबी होती है। ठीक है, और इसको ऐसी को बना रखा है इतना खतरनाक। नॉर्मली जो पोटेंशियोमीटर होते हैं हमारे लैब में, वो तीन तरीके के होते हैं। एक फोर वायर वाला होता है जिसकी 4 मीटर लेंथ होती है, एक होता है 6 वायर वाला, 6 मीटर लेंथ होती है, एक होता है 10 मीटर वाला जिसकी 10 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, उसमें 10 वायर्स होती है। तो अब क्या है, आप सोच के देखिए कि पोटेंशियोमीटर कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम इसमें 4 वायर है, हमारे मीटर ब्रिज में तो एक ही वायर होती है 1 मीटर की, इतना 1 मीटर का इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोटेंशियोमीटर में अगर मिनिमम 4 मीटर की वायर है, तो आप सोच के देखिए कि 4 मीटर कितना लंबा डिस्टेंस होता है, कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, यानी कि वो इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा कि ये फिजिबल नहीं होगा हमारे लिए कि पोटेंशियोमीटर को हम लैब में कहीं रखें, या लैब में रखेंगे तो बहुत बड़ा सेटअप लगेगा उसके लिए, और फिर लैब में बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे रखोगे। तो क्या करते हैं कि अगर 4 मीटर की लेंथ है वायर की, तो उसको क्या करते हैं, 1 मीटर की लेंथ हुई, फिर इसको साइड से मोड़ दिया, यहाँ 1 मीटर लेंथ हो गई, फिर इसको घुमा दिया यहाँ से साइड से 1 मीटर, फिर 1 मीटर। उससे क्या होगा कि आप उसको 4 पार्ट्स में घुमा लीजिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 1 मीटर की ही लेंथ के ऊपर, उसी बोर्ड पे जो 1 मीटर के लेंथ का है, उसके ऊपर 4 मीटर के लेंथ को आप दिखा सकते हैं। इसी तरीके से 6 मीटर वाला होगा, तो 6 मीटर को ऐसे आप मोड़ दीजिए,
ठीक है, 1111 करके इसको मोड़ दीजिए, 10 मीटर वाला होगा तो उसको 10। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि अगर 4 मीटर वायर का कोई पोटेंशियोमीटर है तो आपको 4 वायर नजर आएंगे पोटेंशियोमीटर पे, बोर्ड पे, ठीक है, राइट। वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर होता है एक स्केल लगा होता है 1 मीटर का, और उसके ऊपर आपको 4 वायर नजर आएंगे 4 मीटर वाला। 6 मीटर वाली लेंथ का अगर पोटेंशियोमीटर होगा तो 6 वायर नजर आएंगे, 10 मीटर वायर का पोटेंशियोमीटर होगा तो 10 वायर नजर आएंगे, ठीक है। ये बात थी, मैं आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से ये बता रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बड़ा कन्वीनियंट होगा इस लेक्चर के बाद से उसको समझना कि वहां पे कैसी चीजें चल रही है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या हो सकता है, जब मैं इस वायर को मोड़ूंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक वायर आती है, यहां पे एक स्क्रू हो और स्क्रू से आपने इसको मोड़ दिया, ठीक है, राइट। दूसरा केस क्या है, अगर लेंथ की एक्यूरेसी मुझे चाहिए तो उसका दूसरा केस ये है कि यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर की जो लेंथ हो गई, जैसे मान लीजिए ये हो गया 0 पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो फिर 101 कहां से शुरू होगा, 101 इस पॉइंट से शुरू होगा और यहां पे एंड कितने पे होगा, 200 सेंटीमीटर पे। फिर यहां पे क्या होगा, 201 यहां से शुरू होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लेंथ जब मेजर करनी होती है तो एग्जैक्टली आपको आइडिया लगाना होता है कि लेंथ कितनी हो रही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये 200 हो गया, दिस इज 300, फिर यहाँ 301 हो जाएगा, ये आपके पास 400 हो गया, फिर ये 401 हो गया, ये आपके पास हो गया 500, देन 501 एंड लास्ट 600, यानी 600 सेंटीमीटर की जो वायर हुई, मतलब बेसिकली 101 यहाँ पे ना होकर एग्जैक्टली 100 से ही शुरू होगा, 101 102 हो जाएंगे, तो ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 200 पॉइंट है तो ये 200 पॉइंट है, ये 300 पॉइंट है तो ये 300 है, तो बेसिकली 400 अगर यहाँ खत्म होते हैं तो यहाँ 400 से ही शुरू होते हैं, फिर 401, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते हुए 500 तक, फिर ये 500 से शुरू होगा और 600 पे खत्म होगा। तो इस तरीके से 6 मीटर की जो लेंथ है वो हमने 1 मीटर की लेंथ के अंदर ही बना दी। अब अगर इस तरीके से तो कनेक्शन कैसे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक वाले जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जो ब्लैक वाले पोर्शन है ये आपके पास है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स है जैसे मीटर ब्रिज में है कि वायर की कनेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने पोटेंशियोमीटर में यहां से लेकर यहां तक इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है कि एक वायर यहां दूसरी वायर यहां और बीच में जॉइंट लगा रखा है, तो जॉइंट लगाने के लिए मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम हो, और उसके रेजिस्टेंस को और मैं कैसे कम कर सकता हूं वो भी देखना पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है, इसका रेजिस्टेंस कम कब हो सकता है, जब मैं इसको कॉपर का ले लूं, पहले तो थिक कॉपर स्ट्रिप, अगर ये थिक स्ट्रिप है मोटी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस मिनिमम करने के लिए इसको कॉपर का बनाया और थिक, ठीक है, ताकि इसके ऊपर ये अपना खुद का कोई पोटेंशियल यूज ना कर सके, ये मिनिमम रेजिस्टेंस यूज कर सके, ठीक है बेटा। तो आप ओवरऑल पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, दो तरीके कनेक्शन यूज किया यहां पे, एक तो आपने ये दिया मैग्नेट वायर जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, दूसरा आपने लिया कनेक्शन के लिए कॉपर और वो भी थिक, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, या डालेगा तो बहुत नेगलिजिबल, ठीक है बेटा। इसलिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप यहां लगाते हैं, दैट मींस इट डू नॉट, दैट मींस आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग थिक कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है ना, तो आप बोलते हैं बिकॉज इट ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस टू द सर्किट और द पोटेंशियोमीटर वायर, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, ये तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन था, अब मेन बात है कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो पहला था हमारे पास कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यही हमारे पास सर्किट था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि इसमें क्या क्या चीज थी। अब मैं इसमें से वो सारा पार्ट हटा दे रहा हूं जो मैंने अभी आपको समझाया है, ताकि मिनिमम इन्फॉर्मेशन के अंदर हम इसको समझ सके, ठीक है। देखो यानी कि मिनिमम डिटेल्स का, ये तो प्राइमरी आपको पता है, वो सेकेंडरी पता है, अब मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं यहां से, थोड़ा सा हमारे पास ये जो है अभी अनटाइडी हो गया तो उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो उसको देखने में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया इसको किस तरीके से यूज करना है, ओके, लेंथ वगैरह हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, अब सुनिए क्या है, अब ये है हमारे पास कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये सर्किट पूरा है हमारे पास, की को मैंने क्लोज कर दिया, इस की को क्लोज करने के बाद ही सर्किट चलेगा, ठीक है, चल गया जी सर्किट, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल गया,
करंट बाहर निकल के फिर यू जाएगी, इसके थ्रू जाएगी और यहां से होके जाएगी। अब क्या है कि यहां पर मैं अगर इसको यहां पे ऐसे कर दूं, यानी वन और थ्री के बीच की की को मैं क्लोज कर दूं, तो अब क्या होगा? अब सिर्फ ये पाथ हो गया मेरे पास। ये चेक करो कि ये पाथ कैसे कंप्लीट हुआ। अगर मैं स्टार्ट करता हूं ए से और मैं चलो इस पाथ से चलता हूं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां, फिर ऐसे घूम के यहां से ये, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। यानी कि सेल एप्सिलॉन 2 जो है वो सर्किट का पार्ट नहीं है, हमने यानी कि डेनियल सेल की को ऑन कर दिया। टू वे की का फायदा यही है, आप वन बाय वन दोनों को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, मतलब यहां यूज नहीं होगा, कभी यूज हो तो कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यहां पे हम इस तरीके से यूज नहीं करते। तो यहां पर आपने इसको क्लोज कर दिया, की को क्लोज करने के बाद करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। अब क्या होता है, सबसे पहले जब पोटेंशियोमीटर का आप सर्किट सेट करते हैं और उसको आप ऑन कर देते हैं, तो आप ये चेक करते हैं कि वेदर द सर्किट इज एक्यूरेट और नॉट। और उसको एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है गैलोमीटर है और गैलोमीटर के यहां क्या होता है, जॉकी होता है ना, जॉकी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कैसा होता है, राइट, ठीक है, लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने बता रखा है जॉकी एग्जैक्टली कैसा दिखता है, ठीक है, तो उसको आप अगर किसी को नहीं पता हो बेटा तो लास्ट वीडियो मेरी जरूर देखिए, जो मीटर ब्रेस की वीडियो थी वहां मैंने ढंग से दिखा रखा है जॉकी किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो जॉकी को हम क्या करते हैं, लगाते हैं ए पॉइंट पर स्टार्टिंग एंड पर। तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर जो है, मान लीजिए डिफ्लेक्शन इधर दिखा रहा है, बाय चांस मान लीजिए कि इधर क्यों दिखा रहा है, किसी एक तरफ तो दिखाएगा, तो अगर गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, फिर आपने क्या किया, जॉकी को आपने टच कराया सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर टच दिखाया, तो आपको ये उल्टा डायरेक्शन में एरो होना चाहिए, यानी एक बार यहां टच कराने के बाद अगर एरो इधर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव का डिफ्लेक्शन इधर की ओर है, तो दूसरी बार जब सी पर आप उसको टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन शुड बी ऑन अदर साइड। अगर ऐसा है तो सही है, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन दोनों सेम साइड जा रहे हैं, इसका मतलब देयर इज प्रॉब्लम इन कॉन्फ़िगरेशन, कहीं तो आपने गड़बड़ करी है, आपने कहीं या तो वायर ढंग से नहीं जोड़ रखी है, या फिर कनेक्शन लूज है, कुछ गड़बड़ जरूर है, या फिर आपने सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सही से नहीं जोड़ रखे, ठीक है, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस बैटरी के रेस्पेक्ट में इसको उल्टा लगा दिया, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो गड़बड़ हो गया, फिर नहीं मिलेगा बैलेंस पॉइंट। तो ये आपको चेक करना होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल इसका, इसका और इसका, तीनों के तीनों एक कॉमन पॉइंट पर, जीरो पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको ऑन किया, अब इसको अगर ऑन किया तो फिर हमने देखा यहां से हमने शुरू किया तो डिफ्लेक्शन देखा हमने इस तरफ को था, करते 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 यहां है 100 हो गया, फिर यहां देखा 101 102 103 200 हो गया, ऐसे करते 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 यहां लेके आए, फिर यहां, यहां से यहां तक 100 हो गया, फिर यहां 200 हो गया, फिर यहां 300 हो गया, फिर यहां 300 के बाद हम इतना चल गए, तो पता लगा 340 सेंटीमीटर आया, और वहां पे देखा गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सीधा दिखाता है, कैसे, ऐसे। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर बिल्कुल ऐसा दिखाएगा जीरो, दैट्स कॉल्ड नल पॉइंट, उसको हमने N1 से यहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी जो नल पॉइंट है N1 वाला, ठीक है, उसको हम जब ये हमारे पास आ गए यहां पे, तो अब इसको कैसे दिखाया जाए, अब कैसे हम इसको सॉल्व करें आगे, देखो एक सर्किट में सॉल्व करता हूं यहां पे, चेक करना, मैं लिखता हूं बाय व्हेन की, हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, व्हेन की K1 सपोज दिस, इसको मैं K1 बोल लेता हूं, ठीक है, इसको मैं K2 बोल देता हूं, इस वाले की को, व्हेन की K1 इज क्लोज्ड बट K2 इज ओपन, ढंग से समझना, K1 को तो क्लोज किया है लेकिन K2 को ओपन कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, अब देखो इस केस में मैं एक सेलेक्ट करता हूं यहां से, दिस इज जीरो एंड, देयरफॉर इन लूप, एक लूप है मेरे पास ए एन वन जी थ्री वन ए, ए एन वन जी थ्री वन ए, ये पूरा एक लूप हुआ, ठीक है बेटा, राइट, इसके अंदर ये नहीं आता सेल एप्सिलॉन टू, तो मैं किरचॉफ लॉ से क्या लिखूंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बात ध्यान रखनी है, जब आपको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बतानी होती है तो फॉर्मूला होता है V=IR, लेकिन अगर आपको लेंथ गिवन हो और उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज या ईएमएफ बताना है, ठीक है, वोल्टेज ही बेसिकली बताएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V=KL, ठीक है, V=KL।
लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब क्या आएगा चेक करो। अब हमारे पास यहां पे आ गया इन लूप ए एन वन जी थ्री वन ए बाई के वी एल, इसमें आप क्या लिखोगे, यहां से लेकर यहां तक मान लो ये पूरा ये और ये पूरा यहां तक एक लेंथ होगी, पूरी लेंथ आ गई, जैसे मैंने आपको 340 सेंटीमीटर के आसपास बताया इसको। तो इस लेंथ को मैं मान लेता हूं L1। L1 वो लेंथ है जो यहां से लेकर यहां तक नल पॉइंट ले आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, कि कहां पर बैलेंस हो गया, गैलोमीटर कहां जीरो दिखा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से लेकर यहां तक की पहले वोल्टेज वो हमारे पास कितनी है, के इंटू एल वन, क्यों वी का फॉर्मूला था के एल, तो यहां की वोल्टेज कैसी आएगी लेंथ के रेस्पेक्ट में, क्या आएगी वी इक्वल टू के एल, एल की जगह क्या है L1 है, तो हमने वी इक्वल टू के एल वन लिख दिया। अब फिर हम यहां से पहुंचे कहां, गैलोमीटर के पास, गैलोमीटर क्या दिखा रहा है जीरो दिखा रहा है, तो प्लस जीरो, क्यों एक्चुअली मुझे यहां लिखना चाहिए था आई इंटू आर जी, यानी गैलोमीटर की करंट इंटू गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, गैलोमीटर में करंट जीरो है इसलिए मैं यहां जीरो लिख दूंगा, ठीक है। तो I into R हमारे पास जीरो आ गया, तो जीरो लिख दिया। अब आगे पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर हम पहुंचे सेल के पास, कहां पहुंचे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो इसका मतलब माइनस का एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। देखो यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज आपने कैसे पता लगाई, V इज इक्वल टू KL के फॉर्मूले से, क्योंकि लेंथ पता है, ठीक है। फिर यहां पर आपके पास वोल्टेज जीरो होगी क्योंकि करंट जीरो है, तो I into R से करंट जीरो हो गई, तो हमने उसकी जगह जीरो लिख दिया। फिर यहां से हम यहां पहुंचे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं लिखना, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पहुंचे तो आपके पास आ गया माइनस एप्सिलॉन 1 और फिर आके यहां पे एंड कर दिया इज इक्वल टू 0। तो अब क्या मिला आपको इससे, इसको सॉल्व करके मिला एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू केएल 1। ध्यान रखिए ऐसे बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू केएल 1, बट इट इज गिवन इन एनसीईआरटी कि आप इसको किरचॉफ लॉ से दिखाइए कि एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। वैसे तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नो इश्यूज, लेकिन अगर इसको आप कंसेप्ट से सीखें इट्स बेटर, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इन लूप, दूसरा लूप, लेकिन दूसरे लूप को सेलेक्ट करने से पहले मैं ये लिखूंगा कि व्हेन की के टू इज क्लोज्ड एंड के वन इज ओपन, के टू इज क्लोज्ड एंड के वन इज ओपन, मतलब इस बार मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसको ओपन कर देता हूं, तो क्या पता लगा, इस बार सेल जो दूसरा वाला सेल है एप्सिलॉन 2 वाला सेल, एप्सिलॉन 2 ईएमएफ जिसका सेल का है, वो सेल तो अब काम कर रहा है लेकिन एप्सिलॉन 1 वाला काम नहीं कर रहा, यानी डेनियल सेल हो गया फ्री लेकिन लैग्रेंज काम कर रहा है, ठीक है। तो अब लूप क्या बनेगा बेटा, इस केस में लूप जरा सेलेक्ट करते हैं, यहां लिखता हूं उसको मैं, देयरफॉर इन लूप, इस बार लूप का नाम क्या होगा, आप ऑब्वियसली आपने अगर सेल दूसरा लगाया है और इसकी अगर ईएमएफ उससे अलग है तो क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ अलग आएगी, हो सकता है ये कम ईएमएफ का था तो बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, ये ज्यादा ईएमएफ का है तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आएगी, और अगर ज्यादा ईएमएफ का ये है तो इस बार हमने देखा तो पता लगा कि यहां नल पॉइंट नहीं मिला, घूम फिर के यहां तक आ गया नल पॉइंट और आगे मिलता है। तो इस बार अगर मैं यहां से लेकर मैं चलता हूं यहां से लेकर ये गया यहां गया फिर यहां गया फिर यहां आया तो यहां पे जाके मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली, तो इस बार इस बैलेंसिंग लेंथ को मैं क्या लिख लेता हूं L2। पहले वाले केस में जब नल पॉइंट N1 था तो बैलेंसिंग पॉइंट L1 थी, सेकंड वाले केस में जब नल पॉइंट हमारे पास N2 था तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ और हो गई, उसको हमने L2 मान लिया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे इन लूप, लूप का नाम देखो A, अब यहां पहुंच चुका बैलेंसिंग लेंथ A N2, फिर कहां पहुंचे G पे, फिर 3 2 3 2 एंड देन A, ये आपके पास लूप हुआ। लगाओ भाई बाय केवीएल क्या आएगा, बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहां से लेकर यहां तक की जो वोल्टेज होगी वो क्या लिखेंगे उसको, K into L2, V is equal to KL वाले फॉर्मूले से, इस बार बैलेंसिंग लेंथ L2 है तो L2 लिख लिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां तक तो हमारे पास KL2 आ गया, अब क्या पहुंचे हम, इसके बाद पहुंचे गैलोमीटर पे, वो तो जीरो दिखा रहा होगा इस टाइम भी, नल पॉइंट आ चुका, तो जीरो आने का मतलब I into R, करंट जीरो है गैलोमीटर के, तो I into R से जीरो आंसर आ गया, बिल्कुल पिछले केस की तरह। फिर अब यहां से पहुंचे, यहां पहुंचे, कुछ नहीं लिखना, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाकर एंड किया, तो माइनस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू 0। तो अब इससे सॉल्व करके क्या आ गया, देयरफॉर एप्सिलॉन 2 इक्वल टू KL2, ये इससे सॉल्व करके आ गया।
तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस इज सेकंड इक्वेशन। एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का हमको पता लग गया। अब क्या करना है, आपको क्या करना था, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल, दोनों सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, ई1 अपॉन ई2 आ जाएगा। ध्यान रखिए कि मैं ई1 अपॉन ई2 बोल रहा हूं, एक्चुअली इट इज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ऐसे ही मैं कन्वीनियंसी के लिए इसको ई1 अपॉन ई2 बोल रहा हूं। तो दोनों सेल को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आपस में, ठीक है। तो क्या होता है, क्या लिख पाएंगे आप, देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू केएल 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 केएल 2। ये आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे आएगा। अब सीधी बात है, के से के कैंसिल, वायर तो सेम ही है, पूरा पोटेंशियल ओवरऑल सेम ही होगा वायर के ऊपर। तो अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपने कोई चेंज नहीं किया है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी कोई ऐसा चेंज नहीं किया, सिर्फ सेल बदला है, तो अगर आपने कोई चेंज नहीं किया तो के सेम रहेगा, सेकेंडरी सेल की वजह से यहाँ के पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेन प्राइमरी सर्किट हमारे पास वही का वही है। तो के से के कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या हुआ, फाइनली क्या आता है, फाइनली आता है एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। This is how to compare EMF of two cells. Epsilon 1 upon epsilon 2 is equal to L1 upon L2. इस तरीके से compare करेंगे, ठीक है बेटा। So this is the first use formula, ये निकल के आता है। इसी से आप unknown EMF भी निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो कि दूसरे सेल का आपको EMF दे रखा है, दोनों की बैलेंसिंग लेंथ आपको मिली जाएगी जब आप सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा जो अननोन सेल होगा एप्सिलॉन 1 उसको आप निकाल सकते हैं उसका EMF। क्लियर है बेटा, दिस इज द फर्स्ट यूज। अब बात करते हैं कि इसका सेकंड यूज क्या है, ढंग से देखिएगा।